गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आप सप्ताह में 3 दिन देखते हैं डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो आज आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की 6वीं क्लास। क्लास को पूरा देखना, समझ में आने की गारंटी होगी। अगर पूरा नहीं देखोगे तो कोई गारंटी नहीं, वारंटी भी नहीं होगी। गारंटी की बात छोड़िए, देखिए भिन्न की संकल्पना आपका अगला एक नेक्स्ट चैप्टर है। आप देख लीजिए, तीसरा पार्ट है शायद ये डीएलएड की बुक में। भिन्न के बारे में हम इसमें सब कुछ आपको एकदम घोल के पिला देंगे, बस याद रखना। कुछ भी हो भिन्न का सवाल आप देखते कर ले जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरी क्लास देखना है। भाग के मत जाना, स्किप मत करना। अगर एड वगैरह आएगा तो उसको स्किप कर देना, लेकिन क्लास मत छोड़ना। साधारणतः किन्हीं दो राशियों के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे दो राशियों का अनुपात यानी कि यक्ष अनुपाते वाई अगर है तो इसको यक्ष बटा वाई कहा जा सकता है। ये क्या है, भिन्न है। ये तो साधारणतया है, जो कि गणितीय भाषा में इसको आप कुछ कम समझ रहे होंगे। एक सिंपल सी भाषा आपको बताएं, गांव में या शहर में कहीं भी हो, ज़्यादातर गांव वाले अच्छे से समझेंगे। अगर किसी इंसान के 4 बेटे हैं और उसके पास प्रॉपर्टी धन संपत्ति जो भी है, मतलब धन संपत्ति, और उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, चारों बेटे बांटेंगे, कितना कितना पाएंगे। ये देखो मान लो 4 हैं, ये मानते एग्जांपल के लिए उनके पास खेत है इतना, तो क्या होगा, उस खेत के 4 टुकड़े होंगे, 4 भाग में होगा, है ना। तो अगर इसमें कहा जाए कि ये बताइए चौथा भाई जो है वो कितना पाएगा, कितना हिस्सा पाएगा इस पूरे में, कितना बताओ। टोटल 4 भाग होगा, 1 2 3 4, कितने भाग होंगे, 4 भाग। 4 भाग होगा तो नीचे 4 लिखोगे, ठीक। कितना पाएगा वो, 4 भाग करेंगे तो एक भाग तो पाएगा भाई, इतना ही तो पाएगा ना कि ये सब ले लेगा, एक पाएगा ना। तो कितना मिलेगा, ये चौथे को देखो, इधर ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ये इतना काट दिया, मतलब इतना मिल जाएगा ना। कितना मिला, 4 में से एक भाग मिला ना, मतलब 1/4। ये क्या हुई, भिन्न हुई। कहने का मतलब, अगर किसी चीज़ को हम बांटते हैं तो, किसी चीज़ को बांटते हैं तो वो भी एक प्रकार भिन्न का रूप होता है। परिभाषा वगैरह कहीं नहीं पूछा जाता, केवल मतलब समझ लेना बस, ठीक ना। बात समझ में आई ना, परिभाषा बोला जाएगा कहीं लिखने को, यही लिख देना। सामान्यता किन्हीं दो राशियों के अनुपात को भिन्न कहा जाता है, बस हो गया। जैसे x अनुपात y इक्वल x अपान y, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक भाई दयालु है और वो कह रहा है कि भाई आप जो है हम कुछ नहीं लेंगे, ज़्यादा हमारे पास है, आप पूरा ले लो, एक भाई को दे दिया तो मेरा हिस्सा भी ले लो, तब ये कितना पाएगा, तब ये भी इसके हिस्से में आ जाएगा, कितना, ये भी आ जाएगा ना। फिर ये 1 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और इस तरह से ये 2/4 हिस्सा पाएगा, इसको काटोगे 1/2। अब तो आप कहोगे ये तो 1/2 हिस्सा पा रहा है, फिर और कम हो गया, कम नहीं हुआ। ये 1/2 का मतलब होता आधा, यानी जितना भी था उसका आधा ले लिया। आप यहीं पर तो देख लो, गोला में ही देख लो, ये पूरा गोला था ना, आधा पूरा मिल गया ना, कितना हो गया, 1/2 मतलब आधा, इतना क्लियर हो गया ना। अभी बहुत कुछ बचा है, अभी तो ये ट्रेलर देख रहे हो, मूवी तो बाकी ही है, आगे भी देखना, जाना मत छोड़ के क्लास को। हाँ, इसके बाद अब हम आपको दिखा देते हैं भिन्नों का वर्गीकरण। आपने प्रायः पढ़ा होगा सम भिन्न, विषम भिन्न, और बहुत प्रकार की भिन्नें होती हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में समझेंगे हम लोग। तो आप लोग एक हेडिंग डालो ऊपर, भिन्नों का वर्गीकरण। ये ब्लू वाला स्याही बड़ी खतरनाक है, ये मिटाने में काफ़ी मशक्क़त करती है भाई। ये मत सोचना ये कपड़ा से मिटा रहे हैं इसलिए नहीं मिट रहा है, ये कपड़ा तो बहुत मस्त है। ये देखो, इसको मिटाएं, ये ऐसे मिट जाता है, ये बड़े प्यार से। वो इंक की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पुरानी इंक दे दिया। ये लो मैं फेंक देता हूँ, जाने दो, आगे देखना। हाँ, भिन्नों का वर्गीकरण क्या देखेंगे, भिन्नों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब समझना, ध्यान देना। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन मतलब जानते हो, वही बांटना। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक।
लिखिए, भिन्न और भिन्न दो प्रकार की होती है। यहाँ पर पहले लिखो भिन्न। भिन्न मुख्यतः जो है वो दो टाइप की होती है। हम किस आधार पर कह रहे हैं इसको ध्यान देना, पहले पहले ही घमासान मत मचाना कि भाई दो टाइप का काहे बता रहे हो, ऐसे तो नौ टाइप की होती है। लिखो यहाँ पर अंक गणितीय भिन्न क्या होता है, अंक गणितीय भिन्न। और फिर इधर होती है बीज गणितीय भिन्न, अभी दोनों के बारे में बात करेंगे, अंक गणितीय और बीज गणितीय। देखिए ये है दादा, दादा नहीं बाबा है, दादा जो भी समझना। अब इनके लड़के बच्चे होंगे जो पापा कहलाएंगे, और उनके जो बच्चे होंगे वो आप लोग बनेंगे, हम लोग बनेंगे, मतलब समझना। अभी ये पूर्वज की बात हो रही है, ठीक। जैसे होता है ना, ये कोई दूसरी प्रजाति हो, कोई इंसान की प्रजाति हो, मतलब समझना। अभी ज़्यादा हमें नहीं आता। अंक गणितीय भिन्न में होता है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। अब इनके दो लड़के होते हैं, पहले ये थे, इनके दो हुए, अब ये इनके दो, ठीक ना, इस तरह से समझना, भूलोगे नहीं। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न और इधर दशमलव भिन्न, ठीक ना, ये हो गया क्लियर। अब आगे देखना, इसमें साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बाद हम आपको बता दें कि ये होती क्या है, थोड़ा सा समझ लेना बस, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए, जो भी करना है करिए, फास्ट करिए, क्वालिटी को चेंज कर लीजिए अगर आपको कुछ भी गड़बड़ नज़र आ रहा तो, ठीक ना, बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम आपको बता दें अंक गणितीय और बीज गणितीय भिन्न क्या होती हैं। इधर देखना, अंक गणितीय और बीज गणितीय भिन्न क्या होती हैं। हाँ, जो हम लोग लिखते पढ़ते आए हैं अभी तक, जैसे 3/5 हो गया, 19/11 हो गया, ये सभी अंक गणितीय भिन्न हैं। बीज गणितीय भिन्नों में जैसे x/y+z हो गया, 5/x+z हो गया, या y/3+7 होगा, ये सभी क्या है, ये सभी बीज गणितीय भिन्न हैं, ये सभी अंक गणितीय भिन्न हैं। एक प्रकार से इसको ऐसे कह सकते हो कि यदि किसी भिन्न को लिखने में सिर्फ अचर पदों का प्रयोग किया जाता है तो वो अंक गणितीय भिन्न कहलाती है। अब कुछ लोगों को अचर पद नहीं पता होगा, चर पद नहीं पता होगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट नहीं मालूम होगा, तो वो कृपया पीछे की क्लास देखें या फिर जीरो लेवल बेसिक गणित ज्वाइन करें, ठीक। तो ये हो गया क्लियर। अब बात आती है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न की। साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न ये कौन सी बला है, चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना। पहले आप देखिए, आप दशमलव भिन्न के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखिए गुणा के आधार पर भिन्नों के प्रकार, ठीक ना, गुणा के आधार पर भिन्नों के प्रकार। भिन्न जो है वो कई प्रकार की होती है, लेकिन उसका कोई आधार होता है, कोई आधार होता है। जैसे कहा जाए, इंसानों को बहुत सारे क्वालिटी प्रकार में बांटा जा सकता है ना, बहुत सारे प्रकार में बांटा जा सकता है, लेकिन उस बहुत सारे में भी बहुत सारे गुणधर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। किसी को देखिए, उसकी सुंदर क्या बोलते हैं उसे, खूबसूरती और नॉलेज के तौर पे बांटा जा सकता है। किसी को उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के आधार पर बांटा जा सकता है। किसी को उसके ज्ञान और बहुत सारे प्रगुण के आधार पर बांटा जा सकता है। तो वैसे हम भिन्नों को जो बांटेंगे वो गुणा के आधार पर बांटेंगे, गुणा के आधार पर भिन्नों के प्रकार। जल्दी से आप लोग हेडिंग लिखो तुरंत, गुणा के आधार पर भिन्नों के प्रकार, जल्दी नोट करिए। टाइप ऑफ फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ठीक, टाइप ऑफ फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, इतना नोट कर लिया, हो गया। देखना अब लिखिए उचित अनुचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न नंबर एक, उचित भिन्न
अभी इसका इंग्लिश भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। और फिर एक होती है दूसरा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। देखो ये गुणा के आधार पर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देखना प्रॉपर और इम्प्रॉपर कैसे समझते हैं, किस आधार पे समझते हैं, ये इन सब बातों को ध्यान से देखना। हेडिंग हो गया ना? देखो कुछ भिन्नों को आप लिखते हैं तो उनका हर जो है बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग अंश और हर नहीं जानते होंगे, उनके पास ये भी एक मुसीबत होगी। देखो जैसे हमने लिखा 19 और नीचे लिख दिया 11, तो ये ऊपर वाला अंश है जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला हर है जिसे इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक, बात समझ गए ना? आगे देखना, तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंश छोटा हो, ये ऊपर का नंबर बड़ा हो और सॉरी छोटा हो, नीचे का नंबर बड़ा हो, ये सभी हैं उचित भिन्न हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या हो जाता है? जिसको लिखना लिख लो जल्दी से, फट से, देर ना करो भाई, मूनता को जल्दी करो। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती। लाइट चली गई। और जिस भिन्न का हर अंश से छोटा होता है वो इम्प्रॉपर कहलाती है। देखो इसको दो तरह से बोल सकते हो। एक तरह तो ये बोल सकते हो कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न कहलाती है। दूसरी तरह ये बोल सकते हो कि जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसमें देखना इन्हीं भिन्नों को पलट दो बस। इसमें 11 ऊपर 3 नीचे, 21 ऊपर 19 नीचे, और ये 9 और ये 2 और ये 13 और ये 9, बस हो गया। उसी का जस्ट उल्टा होता है। समझ गए ना? प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए, उचित अनुचित भिन्न समझ गए। और ये लैपटॉप का स्क्रीन तेज हो गया इसलिए चमकने लगा। आगे चले नेक्स्ट फ्रैक्शन देखना, जल्दी से हेडिंग डालो तुरंत बिना देर करे हुए। वह है व्युत्क्रम भिन्न, रिसिप्रोकल फ्रैक्शन। हाँ तो ये कौन सी बला है? रिसिप्रोकल फ्रैक्शन का है, इसको भी देखना। रिसिप्रोकल फ्रैक्शन व्युत्क्रम भिन्न तीसरा प्रकार। वैसे तो भिन्न 9 प्रकार की होती है, तीसरा क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। इसका इंग्लिश में देख लो, काल बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल। मुझे इंग्लिश ज्यादा पढ़ना नहीं आता फिलहाल, रेसिप्रोकल यही तो पढ़ेंगे ना। स्पेलिंग देख लो सही लिखे हैं कि नहीं, RECIPROCAL। और ये होता है फ्रैक्शन। कहते हैं ना रटते रटते गधा को भी आने लगता है, वैसे मुझे भी आने लगा है। ये हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होती हैं इसके बारे में हम आपको बताए हुए हैं बहुत पहले से, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। लिखिए, किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देने पर जो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है वो उसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे हमने लिखा 3/7, इसकी व्युत्क्रम भिन्न ये होगी कि आप इसको ऊपर रख दो इसको नीचे, मतलब सिर को पकड़ के नीचे पैर उठा के ऊपर कर दो तो उसकी व्युत्क्रम भिन्न बन गई। जैसे 91/31, इसका व्युत्क्रम भिन्न 31/91। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? अरे वही चीज जो बोल रहा हूँ मैं बार बार,
व्युत्क्रम भिन्न। आगे देखिए अन्य दो जो भिन्न हैं उनको क्या हालचाल है, उनकी भी देख लो जल्दी से। संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न मतलब फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मतलब इसको क्या बोलते हैं मालूम है आप सभी को? जैसे यहाँ पर हमने अगर लिखा कि 3/7 और ये 5/11 यहाँ पर 11 और 13/17 ये सभी लोएस्ट फ्रैक्शन हैं। लोएस्ट फ्रैक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं कि जिन भिन्नों के गुणनखंड करने पर एक के अतिरिक्त अन्य कोई सामान्य गुणनखंड ना हो वो संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे अगर इसमें 3 और 7 में 3 का गुणनखंड करो और 7 का, तो 3 × 1 होगा, ये 7 × 1 होगा, बाकी और कोई गुणनखंड नहीं होगा। बताओ होगा कुछ नहीं होगा। एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि जिन भिन्नों के अंश और हर अभाज्य संख्याएं होती हैं वो संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। ठीक, लिख लीजिएगा इसको। अब मैं बार बार हर चीज़ लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पर। अगला मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है? जिस भिन्न में भिन्नात्मक एवं पूर्ण दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। इसको लिखा कैसे जाता है ये भी देख लीजिए। पूर्णांक तथा संयुक्त भिन्न से हो, यदि किसी भिन्न में पूर्णांक तथा संयुक्त रूप में भी भिन्न हैं तो वो मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा 3/1/4 ये मिश्रित भिन्न है, 3 सही जिसे बोलते हैं। जैसे 12 सही 7/9 यहाँ पर 9 ये क्या है? मिश्रित भिन्न है, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक है 3 और एक संयुक्त रूप में जो है भिन्न है 1/4। ठीक ना, बात समझ में आई? इसमें पूर्णांक है 12 और संयुक्त रूप में जो है 7/9। दोनों संयुक्त रूप में है ना, एक में जुड़े हुए हैं ना। ठीक ना, बात समझ में आई ना? एक अलग अलग करके दिखा दूं। देखो 3/4 में क्या है, ये 3 क्या है? एक पूर्णांक है, और 1/4 क्या है? एक भिन्न है। तो पूर्णांक और भिन्न दोनों संयुक्त रूप में हो, जैसे 3/1/4 ये संयुक्त रूप हो गए, एक में जुड़ गए, जरूरी नहीं कि प्लस लगा के जोड़ो। और हाँ एक बात और याद रखना, चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे 3+1/4 लिखो, दोनों का मतलब एक है होता, हल करके देख लो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। कैसे होता है ये भी देख लो। यहाँ पर जो लोग सही बटा में लिखते हैं उसको ज़्यादा कुछ ना करते हुए आप जोड़ दो बस सीधा सीधा, देखना। जैसे हमने लिखा 3 सही 1/4 ना, और इधर हमने लिखा 3+1/4, बीच में प्लस लगा दिए, दोनों का मान्य उतना आएगा। 4 × 12 = 13, ये 13/4 और ये 4 × 12 = 13 ना, ऐसे नहीं, 4 × 12 और प्लस ये 1/4, ये देखो 13/4। बात समझ में आई ना? दोनों का मतलब एक ही होता है, संयुक्त रूप में है, जिसमें भिन्न और पूर्णांक संयुक्त रूप में होते हैं वो कहलाती है मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक अगला है बीतत भिन्न। अब बीतत भिन्न तो भाई एकदम बीतत है, ये खुद ही नहीं समझ में आ रही क्या है, इसकी परिभाषा कोई निश्चित नहीं है, इसको किताब वालों ने भी लिख दिया है, गणितज्ञ लोगों ने कह दिया कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, बस ऐसे देख लो जो गड़बड़ स्थिति में दी रहेगी ऐसे क्रम में वो क्या कहलाती है, वो आपकी बीतत भिन्न कहलाती है। ठीक ना, इसकी खासियत होती है ये भिन्न नीचे से ऊपर को हल की जाती है, यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर को जाते हैं हल करते हुए, चूँकि इसको ऊपर से जोड़ने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको ना बता सकते हैं ना आप समझ ही सकते हैं। बस इतना जान लो ये बीतत भिन्न कहलाती हैं। अगर कहीं ऐसे आपको लिखना पड़ा बीतत भिन्न का एग्जाम्पल, तो ऐसे लिख देना, कोई भी नंबर ऊपर ले लेना एक, इधर लिखना जैसे कोई भी लिख लो 7, फिर नीचे क्या करोगे, इसके नीचे कुछ भी लिख दो एक नंबर 3, और फिर यहाँ पर चाहे तो प्लस लगाते जाओ, ये 9+5/7 और फिर क्या करोगे यहाँ पर 2 वगैरह वगैरह, ऐसे बनाते चले जाना, बस बीतत भिन्न हो गई।
समझ गए होंगे आप ना इन भिन्नों के बारे में, नोट कर लो जल्दी से तुरंत बिना देर करे हुए, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लास को पूरा देखना, अभी तक अगर लाइक नहीं किया बाबू ना तो इसे लाइक कर देना, जल्दी करिए, तुरंत लाइक करिए सभी लोग, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करना। बेल आइकन नहीं ऑन करोगे तो क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, आज बहुत बड़ी बात आपको बताने वाले हैं। आप लोगों की शिकायत होती है कि क्लास की नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलती, उसकी गलती आपकी होती है। सब्सक्राइब बहुत से स्टूडेंट्स ने किया है, लगभग 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट ने किया, लेकिन देखते हैं क्लास मात्र 1000-2000, उसका रीज़न क्या है और लोगों ने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है। जब सब्सक्राइब करते हो उसके आगे एक ऐसे निशान आएगा छोटा सा घंटी जैसे, उस पर जब क्लिक करोगे, कुछ लोग क्या करते हैं सब्सक्राइब कर देते बाकी कुछ नहीं करते हैं, फिर आगे जो घंटी का आइकन है उस पर भी क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन, पर्सनलाइज्ड, नॉन ऑफ दीच, या फिर कुछ ऐसे आता नीचे, आपको फिर ऊपर वाला सेलेक्ट करना है ऑल, तब जाके सारा प्रक्रिया पूरा हुई। और कुछ लोगों का जिनका फ़ोन पुराना है या उनका यूट्यूब अपडेट नहीं हुआ है, वो जब बेल पर क्लिक करेंगे तो उनके में कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसका मतलब आपका सब ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है, ठीक ना, बात समझ गए, इसको ज़रूर करना। इस तरह से आपको 60% तक लगभग फ्री की क्लास YouTube पे मिलेंगी, लेकिन अगर 100% पढ़ना है, सभी क्लास लेना है, तो WhatsApp नंबर पर मैसेज कर देना, 549 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, उसके बाद फिर आपकी क्लासें WhatsApp पर आपके पास तक पहुँचेंगी, चाहे इसको सबको करना या ना करना, कोई टेंशन नहीं, ठीक ना, डाउट भी क्लियर किया जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा इसमें ज्वाइन करना। तो चलते हैं साथियों, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर देना, ये बिल्कुल फ्री वाली क्लास है, ठीक है ना। हाँ, इसी में कुछ क्लास फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, जो फ्री होती है सभी को मिल जाती हैं, जो पेड होती वो हर किसी को नहीं मिलती हैं, बस। जय हिंद एक बार फिर से, और हाँ 8 बजे से 10th वाला मैथ देखना, NCERT मैथ 8 बजे से कक्षा 10 सभी के लिए बिल्कुल फ्री।